रोटू नॉलेज में आपका खुशामदीद, खैर मकदम, स्वागतम, वेलकम। आज हम फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज हम करेंगे बैटन की फिटिंग। ये केसिंग पाइप कहलाता है, तो इसकी हम वायरिंग करेंगे और इसकी फिटिंग पूरी कंप्लीट करके हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि इसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होता है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो इसको बोलते हैं बैटन कील, और इसी बैटन कील से जो ये बैटन है, केसिंग है, इसमें ये कील लगाई जाती है और इसी के माध्यम से बैटन को वॉल पे माउंट किया जाता है। ठीक है, कील दो तरह की आती है, एक राउंड में आती है और एक आपको स्क्वायर में आती है। ठीक है, तो ये जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ये राउंड में है। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो आपका स्क्वायर में होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये राउंड में ही इसका जो लेंथ होता है 6 फीट होता है। ये हमारा रूम है, इसी रूम में पूरी वायरिंग कंप्लीट करनी है हमें। ये विंडो है और ये गेट है। ठीक है, ये टॉयलेट है, ये है बैटन की, और हम बैटन वॉल पे माउंट करना शुरू करेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने डबल गिट्टी का प्रयोग किया है इसमें। ठीक है, जो बैटन कील है, डबल बैटन कील का हमने इस्तेमाल किया है। तो टोटली बैटन हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम करेंगे इसकी वायरिंग। ये टॉयलेट का है, का आर पर होल हो जाएगा और इस तरफ आपका में आपका यहाँ पे होल्डर लग जाएगा। ठीक है, ये बाहर का एरिया है, अब आते हैं हम बाहर की ओर, आंगन की ओर आते हैं। ठीक है, फाइनली डन हो चुका है। अब हम वायरिंग का काम करेंगे।
तो चलिए आइए हम वायरिंग काम शुरू करते हैं। ये है हमारी वायर जो कि पोली किंग के नाम से है। ये 1 square mm है, ये 1.5 square mm है और ये 2.5 square mm है, ठीक है। तो अब हम करते हैं वायरिंग शुरू। 1 mm, 1.5 mm और ये 2.5 mm, ठीक है। ये दोनों हाफ हो गए, ये दोनों न्यूट्रल हो गए, ठीक है। दो पॉइंट हैं जो कि आप एक देख सकते हैं कि यहाँ है एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये इस तरफ है फैन के लिए, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट फैन के लिए है और हम तीसरा पॉइंट लेंगे बाहर के लिए, ठीक है, जो कि हम यहाँ से निकालेंगे। तो सबकी दो दो वायर जाएगी, ठीक है। टोटल मिलाकर भी ये 6 वायर हो जाएगी, ठीक है। शुरू है।
तो फाइनली एक रूम की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली एक रूम की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम चलेंगे दूसरे रूम में। ये हमारा टॉयलेट का भी कंप्लीट हो चुका है, ये टॉयलेट की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है।
हम डालेंगे यहाँ से मेन लाइन की वायर, ठीक है। ये आपका बाहर का एरिया है और ये यहाँ से नीचे जाएगी मेन लाइन की वायर। यहाँ से डालेंगे हम ये मेन लाइन की वायर, ये डायरेक्ट चली जाएगी एमसीबी में। तो जैसा कि हमने ये निशान लगाया हुआ था, यहाँ जो कि नीचे जानी थी और वो मेन लाइन वहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ तक वायर जानी है, ठीक है। अब ये हम डालेंगे इस तरफ जहाँ पे एमसीबी लगेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं उधर से मेन लाइन की वायर आई है, ठीक है, और ये यहाँ से होते हुए बी बॉक्स वहाँ पे है, वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। और इस रूम की भी मेन लाइन की वायर हमने डाल दी है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों वायर यहाँ पे आई हुई है, ठीक है, ये वायर यहाँ से जो होल है उस तरफ से चली जाएगी एमसीबी बॉक्स में। तो फाइनली हमारे वायर बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। इस रूम के वायर बाहर निकल चुके हैं। तो फाइनली एमसीबी तक सारी वायर आ चुकी है और ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है टोटली, आप देख पा रहे होंगे। ये आपका किचन का एरिया है, ये यहाँ तक भी वायर आ चुकी है, ठीक है, ये स्लैब है। और बाहर चलते हैं अब हम। ये बाहर का एरिया है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे बैटन होल्डर एक लग जाएगा। अब चलते हैं अंदर के रूम में। ये देख सकते हैं उधर से मेन लाइन की वायर आई हुई है जो कि आपको डायरेक्टली ये सीधा एमसीबी में चली गई है, जो एमसीबी की वायर वहाँ पर नज़र आ रही होगी आपको। ये अंदर वाले रूम का है, ठीक है, यहाँ भी पूरी वायर डल चुकी है इसकी, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है यहाँ पे। अब हम चलते हैं इस तरफ, ये आपका टॉयलेट का है, ये तो टॉयलेट में भी काम हो चुका है, ये टॉयलेट का एरिया है। उस तरफ दूसरे वाले रूम में लाइन की वायर उधर से वायर होते हुए यहाँ आ रही है, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले रूम में। यह है हमारा अंदर का कमरा,
ये हमारा अंदर का कमरा है, तो फाइनली यहाँ भी ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमें बोर्ड लगाना है और लाइट चालू करनी है। तो उसके बाद हमारी लाइट चालू हो जाएगी। ये हमारा अंदर का कमरा है, तो अब हमारे सारी लाइट चालू हो जाएगी। ठीक है, टोटली ये कंप्लीट हो चुकी है सारी वायरिंग। तो फाइनली हमारी लाइट चालू हो चुकी है, सारे बोर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, देख सकते हैं। ये बेडरूम वेडरूम का वगैरह भी लग चुका है, बल्ब भी लग चुका है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्रोटो नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।